हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी सही सलामत हो गए। सो गाइस, आज है वियतनाम में चुंग थू फेस्टिवल, मून केक फेस्टिवल और या फिर ऑटोमन मिड ऑटोमन फेस्टिवल, तीन नाम से जान सकते हैं आप इसको। तो ये वियतनाम, मैंने जैसे लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था, वियतनाम, चाइना, कोरिया, जापान, कई सारे देशों में ये फेस्टिवल मनाते हैं। तो यहाँ पर भी आज वही फेस्टिवल है। अब देखना है ये है कि रोड में शोज वगैरह कुछ होते हैं या नहीं होता है। अगर कोविड नहीं होता तो नॉर्मली बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन तो ओपन हो चुका है, सब कुछ नॉर्मल रन हो रहा है, सारे अपने अपने काम में वापस आ गए हैं, लेकिन ये फेस्टिवल का जश्न आज देखने के लिए मिलता है या नहीं। तो अगर देखने के लिए कुछ मिला तो ज़रूर शाम को आपसे भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आज मुझे जाना है अपने सेटअप करने सेंटर के, फिर से जो यहाँ से मेरा सेंटर 6 किलोमीटर दूर है घर से, तो वहाँ पर थोड़ा सा सेटअप जमाना है। एक दो दिन में वहाँ पर क्लासेस स्टार्ट करनी है, क्योंकि फ्री तो काफ़ी बैठ ली है 5 महीने से, तो अभी ज़ोरों शोरों से काम स्टार्ट होने वाला है। तो अभी तो फिलहाल मैं लेक के पास ही वॉक कर रहा हूँ, देख लो इतनी बड़ी लेक है यार, इसमें एक चक्कर लगाने में भी 20 मिनट निकल जाते हैं। तो अभी तो मेरा एक ही चक्कर हुआ है, 2 चक्कर मार के फिर घर जाना है, अपना नाश्ता पानी करना है और उसके बाद जाना है मेरे को काम पे, अपने जो योगा सेंटर है उसका सेटअप बनाने के लिए। मैट मूट थोड़ा सा साफ़ करना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसे ही ढेर पे पड़े हुए हैं, तो थोड़ा अच्छे से सेटअप करेंगे। काम की शुरुआत करनी है तो थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा, ऐसा हरा भरा पार्क हो और सुंदर सी लेक हो तो वॉक करने का मज़ा ही कुछ और रहता है। ठंडी ठंडी हवा एकदम से मस्त है, मास्क लेकिन लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि बीच में लोग आते रहते हैं। जब कोई आसपास में नहीं होता है तो फिर मैं मास्क निकाल देता हूँ, लेकिन सेफ्टी इज़ फर्स्ट। सो गाइस, 8 बजे का मैं आया हूँ यहाँ पे, अब टाइम हो रहा है 10, तो 10 बज गए हैं, हालत ऐसी हो गई है देख रहे हैं आप। तो उस दिन इतनी सफाई की थी मैंने, अभी ये देखो सारा अनबॉक्सिंग करना है, इसमें व्हील है, बॉल है और ब्लॉक्स है, बहुत सारा सामान है। मैट देखो यहाँ पर लगा लिए है, और मैट भी मेरे कुछ कुछ तो ख़राब हो गए हैं, ये देख रहे हो आप, तो इसकी धुलाई करनी पड़ेगी फिर ओके हो जाएगी ये, क्योंकि इतने दिनों से इकट्ठे ढेर में रहे ना, तो इसमें क्या फंगस सी आ गई है। तो एनीवे, अभी बहुत सारा काम बाकी है, आज का पूरा दिन यहीं पर समाप्त हो जाएगा। आज की मेरी सारी क्लास कैंसिल है, जो मेरी 2 पर्सनल ट्रेनिंग होती है वो तो ऑल्टरनेट डे में होती है, तो आज तो वैसे भी नहीं होती है। तो एक क्लास मेरी डेली बेसिस पे होती थी ऑनलाइन, वो आज कैंसिल है। किस रीज़न से? जो इंटरनेट की तारें है उसको रिपेयर कर रहे हैं, फिर से नई तारें लग रही है, तो वो 2 दिन से कट लगा हुआ है। आज शाम तक या कल सवेरे से हमारा इंटरनेट चालू हो पाएगा, तो तब तक के लिए ऐसे ही मैं 4G से अपलोड कर रहा हूँ, 4G चल जाता है यहाँ पे, तो उससे अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस वगैरह।
सो गाइस, बाकी सारा काम तो हो गया है, अब मैट की धुलाई हो रही है। सारे मैट को धोना है क्योंकि इतने दिनों से मैट पड़े हुए थे एक ढेर पे, इसमें काफी फंगस आ गई है जो कि सेहत के लिए खराब है, तो इसीलिए इसकी धुलाई अच्छे से करनी है, रगड़ रगड़ के, ताकि कोई भी आदमी बीमार ना हो। लोग सोचते हैं विदेश में जाके पैसा कमाना बहुत आसान है, तो इतना आसान भी नहीं है दोस्तों। तो अपनी गलतफहमी को दूर कर देना अगर कोई ऐसा सोचता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है यहाँ तक पहुँचने में, और पैसा कमाने में काफी सारी मेहनत लगती है। तो सो गाइज, कड़ी मेहनत करने के बाद तो मैंने सारे मैट्स को धो लिए हैं, देख रहे हो। तो अभी मैं घर की ओर निकलूँगा, एक बज चुका है, सवेरे 8 बजे से लगा हुआ हूँ मैं, अभी 1 बज चुका है, तो अब ख़त्म हुआ है। अब घर की ओर जाऊँगा, लंच वगैरह करूँगा, उसके बाद की दिनचर्या देखते क्या आगे होता है। आज टुडे बेंग चुंग थू फेस्टिवल, ये देखो लोटस का फूल बना रखा है, वाइट, इसको काट के अभी खाएंगे आज हम। सो गाइज, अभी 8 बज चुके हैं शाम के, तो हम लोग जा रहे हैं बाहर स्ट्रीट शो देखने के लिए, क्योंकि आज आपको मैंने बताया था सवेरे, तो आज जो है चुंगथू फेस्टिवल है, इसको वियतनाम में टेट चुंगथू कहते हैं, टेट होता है यहाँ पे हॉलीडे, तो ये बच्चों के लिए एक हॉलीडे है, इसमें बच्चों को गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं। तो वैसे ही आज एमी को भी, एमी की नानी जी ने ये गिफ्ट दिया है, ये बहुत दौड़ता है, क्रैब, तो अंग्रेजी में हम इसको क्रैब कहते हैं, वियतनाम में इसको कहते हैं सी कनकुआ, वियतनाम में कहते हैं कनकुआ। तो एमी को मिला है अपने नानी जी की ओर से ये गिफ्ट,